की वीडियो में हीरो रोबोकॉप 2 रोबोट की मैं अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करने वाला हूँ। देखो भाई साहब, काफी ज्यादा कमाल का रोबोट है मेरे पास। रोबोकॉप 1 भी था, ये रोबोकॉप 2 मैंने खरीद लिया है। बहुत ज्यादा अपग्रेड किया है इन लोगों ने इसके अंदर। आज मैं इसकी फाइट कराने वाला हूँ। यहाँ पे है अपना बम्बलबी रोबोट। आज होगी इन दोनों के बीच में फाइट। देखते हैं इस दोनों में से कौन जीता है आज की फाइट में। चलो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये जो रोबोट है देखने में काफी ज्यादा मस्कुलर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इसके क्या क्या मेन फीचर्स है सारी चीजें दी हुई। ओके, तो इसको मैं यहाँ से कट कर दिया हूँ। अभी निकालते हैं हमारे हीरो रोबोकॉप 2 को। देखने में तो भाई काफी ज्यादा तगड़ा नजर आ रहा है ये रोबोट। ये आ गया गाइस हमारा रोबोट बॉक्स के अंदर से बाहर। ओ माय गॉड, क्वालिटी तो इसकी देखते ही बनती है यार, काफी ज्यादा गजब का लग रहा है रोबोट। चलो फटाफट से इसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ये आ चुका है अपना रोबोट। अगर गाइस इसको आप खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, इधर व्यू प्रोडक्ट बिल्कुल आपको दिखाई देगा, उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे इसका बाय लिंक आपको मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अमेज़न का बाय लिंक दे रखा है, वहां से भी जाकर आप चाहे तो ये कमाल के हीरो रोबोकॉप 2 को खरीद भी सकते हो। देखते हैं इसके साथ हम लोगों को क्या क्या चीजें मिली है। यहां पर है इसका यूजर गाइड, क्योंकि यार ये जो रोबोट है ना बहुत ही ज्यादा एडवांस है, इसको हम प्रोग्रामिंग वगैरह भी कर सकते हैं, इसलिए इसको किस तरह से चलाना है सारी चीजें हम लोगों को इस बुक के अंदर मिल जाएंगी। तो यहां पर है इसका चार्जर। अच्छा, तो इन लोगों ने बैटरी बोल के लिखा था यार, पर मेरे को लग रहा है कि बैटरी जो इन लोगों ने इसी के अंदर डाल रखी है, यहीं से हम लोगों को डायरेक्ट चार्ज करके इसको चलाना होता है। चलो ये चीज बहुत अच्छी दे रखी है इन लोगों ने। यहां पर है इसका रिमोट कंट्रोलर, ये भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। वाओ, कितना ज्यादा स्लीक रिमोट दे रखा है गाइस। यहां पर ढेर सारे बटन्स मिल जाते हैं इस रोबोट को बहुत अलग-अलग तरीके के टास्क देने के लिए। ओके गाइस, अभी ये जो रोबोट है इन लोगों ने कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाया है अभी मैं आपको बताता हूं। यहां पर इसकी एल्बो देख रहे हो, इतना ज्यादा ये मूव करती है, और इसका शोल्डर भी आगे पीछे की तरफ मूव करता है, और इसका ये जो हाथ है ना गाइस, ये भी देखो यार इस तरह से गोल घूम जाता है। और इसके हाथ की क्वालिटी भी देखो यार, कितनी ज्यादा तगड़ी इन लोगों ने बना रखी है। सामने की तरफ 3 सेंसर्स मिल जाते हैं, इसको हम लोग चाहे तो हैंड से भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जेस्चर कंट्रोल भी मिल जाते हैं। और इसके जो लेग्स है ना गाइस, देखो कितने ज्यादा मोटे मोटे इन लोगों ने बनाए हैं। एक और गजब की चीज मैं आपको दिखाता हूं। देखो गाइस, यहां पर इसका एक हेलमेट भी हम लोगों को मिल जाता है। इस हेलमेट को हम लोग चाहे तो निकाल भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। कैनन के अंदर 5 डार्ट्स लग जाते हैं। ये जो कैनन है पूरी तरीके से मूवेबल है, इतना ज्यादा ये मूव भी कर सकती है। पीछे की तरफ से मैं आपको दिखा देता हूं। अच्छा, इसकी ये जो मोटर है शायद यहां पर इन लोगों ने फिट कर रखी है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफी ज्यादा तगड़ी इन लोगों ने बना रखी है। ये आ गया गाइस बम्बलबी रोबोट। ये जो रोबोट है इसके मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा मेरे को लग रहा है। देखो मैंने इसको यहां से ओपन कर दिया है। अभी निकालते हैं हमारे बम्बलबी रोबोट को। जो कोई भी एक बार इसे देखता है बस देखता ही रह जाता है। अभी निकालते हैं यहां पर बम्बलबी रोबोट को। ओ भाई, यहां पर तो इसका सर टूट फूट चुका है ऐसा मेरे को लग रहा था, पर टूटा नहीं है गाइस। यहां पर हम लोगों को इसके अंदर डिस्क डालने पड़ते हैं। वो जो डिस्क है यहां से फायर कर सकता है। यहां पर इसके डिस्क है शायद, ये मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। ओ यार, बहुत सारे डिस्क इन लोगों ने दे रखे हैं। ये देखो स्टायरोफोम वाले डिस्क है। ये डिस्क हम लोगों को इसके सर के अंदर लगाने होते हैं। ये शायद इसके विंग्स या फिर आप इसके डोर्स भी बोल सकते हो, क्योंकि यार बम्बलबी रोबोट जो है एक कार में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये वाला नहीं होता है गाइस, रियल वाला जो ट्रांसफॉर्मर मूवी में था वो एक कार भी बन सकता था। तो उसी तरह का इसका इन लोगों ने डिजाइन वगैरह बनाया है। इसके विंग्स को मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये लगाने के बाद तो ये जो रोबोट है और भी ज्यादा बड़ा दिख रहा है। यहाँ पर इसकी एक गन भी दी हुई है। इसके अंदर कोई भी डार्ट वगैरह हम लोग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर से डिस्क वगैरह शूट कर सकता है। चलो गाइस अभी चलते हैं बाहर, फटाफट से कराते हैं इन दोनों के बीच में फाइट। देखते हैं दोस्तों आज की फाइट में कौन सा वाला रोबोट जीतता है। लेट्स गो एंड फाइट। सबसे पहले हीरो रोबोकॉप 2 को टेस्ट करते हैं। ऑन कर दिया मैंने आईज के अंदर इसके लाइट्स। देखो यार, ओ माय गॉड, इस तरफ 9 एलईडीज है, इस तरफ 9 एलईडीज दे रखी है। अभी इसको चला के भी देख लेते हैं गाइस, देखते हैं किस तरह से चलता है। स्लाइड बैकवर्ड मैंने जैसे ही प्रेस किया है ये स्लाइड करने लग रहा है। और इसकी स्पीड देखो यार, मेरे पास कोई दूसरा रोबोट है नहीं गाइस, इतना ज्यादा तेजी से वो स्लाइड करता है। स्विच मोड करके देख लेते हैं। अभी यहाँ पे राइट साइड के बटन हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, तो ये स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए दिए गए, पर बहुत स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप चलता है। स्लाइड बहुत तगड़ी तरीके से कर रहा था ये रोबोट। अभी ये वाला बटन प्रेस करते हैं यार पेट्रोल का, देखते हैं क्या करता है। अच्छा, तो यहाँ पर लाइट्स आने लगी थी इसकी आंखों के अंदर। अभी देखो यार, मेरी पेट्रोलिंग करने लग रहा है, ये अपने आप ही घूमने लगता है इस पूरे रूम के अंदर। अभी रिमोट के अंदर मिड्डी बोलकर एक बटन है यार, इसको प्रेस करके देखते हैं क्या करता है ये। बटन दबा दिया मैंने, सिर्फ आगे पीछे हो रहा है। अच्छा, तो गाइस ये डांस कर रहा है जैसे कि देख सकते हो, और माइकल जैक्सन का मून वॉक भी करके दिखा सकता है ये रोबोट।
अभी इसके कैनन को टेस्ट करके देख लेते हैं। पहले तो कैनन के अंदर मैं डार्ट्स लगा देता हूँ, शूट का बटन मैंने प्रेस कर दिया है और इसके कैनन के अंदर लाइट्स आ चुकी है और ये शूट भी कर रहा है गाइस, अपने आप ही शूट कर रहा है। मैंने जस्ट एक बार इसके अंदर बटन दबाया है और इसकी पावर भी जो है अच्छी खासी मेरे को लग रही है। मैं आपको स्लो मोशन में भी दिखा देता हूँ, देखो यार ये डायरेक्ट मेरे कैमरा के ऊपर ही शूट कर रहा है। अभी इसके जेस्चर कंट्रोल्स टेस्ट करते हैं गाइस। मेरे हाथ को रोबोट के सामने मैं जैसे ही लेके जा चुका हूँ, ये पीछे की तरफ जा रहा है। मेरे हाथ को इस तरह से मैं थोड़ा सा झटका दूंगा तो ये फॉरवर्ड मूव होने लगेगा। काफी अच्छी तरीके से इसके कंट्रोल्स काम कर रहे हैं। लेफ्ट को भी टर्न हो जाता है और इस तरह से करने पर ये राइट को भी टर्न हो जाता है। इसके रिमोट के अंदर मशीन लैंग्वेज बोलकर एक बटन है, इसको मैंने प्रेस कर दिया है। अच्छा तो ये रोबोट की लैंग्वेज में बात करता है, यार मेरे को तो कुछ समझ आ ही नहीं रहा है। मेरे को लगता है ये दूसरे रोबोट से इसी तरह से इंटरेक्ट वगैरह करता होगा। अभी टेस्ट करते हैं बम्बलबी रोबोट को। पीछे ऑन ऑफ स्विच है, ऑन कर दिया मैंने इसको। लाइट्स इसके अंदर बहुत सारी दे रखी है तो ये बटन प्रेस करके देखते हैं। अच्छा तो ये पीछे की तरफ जाने लग रहा है और इसके स्टेप्स देखो यार बहुत ज्यादा एक्यूरेट मेरे को लग रहे हैं, फॉरवर्ड भी हो सकता है। अभी इसके अंदर एक और बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो शायद ये लेफ्ट को टर्न करने लगेगा। टर्निंग में बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड तो काफी अच्छे तरीके से चल रहा था। यहाँ पर दो और बटन इसके अंदर मिल जाते हैं, जैसे कि मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो ये फॉरवर्ड की तरफ स्लाइड करने लग रहा है। अभी मैं इसका फायर मोड एक्टिवेट कर देता हूँ, पहले उसको मैं रेडी रीसेट कर चुका हूँ। अभी लॉन्च का बटन मैंने जैसे ही प्रेस किया, यहाँ से देखो यार ये डिस्क शूट करने लगेगा। यार कितनी ज्यादा तेजी से डिस्क शूट कर रहा है, प्रॉपर तरीके से इसकी डिस्क तक नजर नहीं आ रही है। मैं स्लो मोशन में करके आपको दिखाता हूँ। अभी देखो गाइस ये देखो ग्रीन वाली डिस्क निकली है। यार कोई दूसरा रोबोट जो है ना इतनी तेजी से बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाएगा। अभी इन रोबोट का मैं फायर पावर टेस्ट करने वाला हूँ गाइस, देखते हैं दोनों में से कौन जीता है, किसका फायर पावर ज्यादा दिया। यहाँ पे ढेर सारे ग्लासेस मैंने जमा दिए। सबसे पहले टेस्ट करते हैं हीरो रोबो कॉप 2 को, देखते हैं गाइस इसकी डार्ट्स कितनी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर मैं डार्ट्स फायर कर रहा हूँ, एक डार्ट तो मिस हो चुका है, दूसरा डार्ट फायर करने वाला हूँ और ये दूसरा डार्ट जाकर सीधा सेंटर वाले ग्लास को लगाया, पर इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, एक भी ग्लास यहाँ पर गिरा नहीं है। तीसरा डार्ट भी मैंने फायर कर दिया, फोर्थ डार्ट को भी फायर कर दिया, भाई साहब कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा है। ओ नहीं गाइस रुक जाओ, सारी के सारी ग्लासेस यहां पर गिर चुके हैं यार, चार डार्ट्स लगे हैं इसको सारे ग्लासेस को गिराने में। अभी बम्बल भी रोबोट को भी टच करके देख लेते हैं इसकी डिस्क में कितनी पावर है। एक डिस्क में यार इसने तकरीबन आधे ग्लासेस को गिरा दिया है। यार इसकी डिस्क बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये बहुत ही एक्यूरेट तरीके से फायर भी कर सकता है। देखो गाइस सेंटर का ग्लास गिर चुका है और यहाँ पर सारे के सारे ग्लासेस ढेर हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि बम्बल भी की जो फायर पावर है ज्यादा दी गई है हीरो रोबो कॉप 2 के मुकाबले में। अभी दोनों रोबोट्स की आमने सामने वाली फाइट कराते हैं गाइस। पहले हीरो रोबो कॉप को यहाँ पे इसके ऊपर फायर करके देखते हैं ये गिर पाता है यानी। ऑलमोस्ट इसने सारे के सारे डार्ट्स फायर कर दिए, कुछ हुआ ही नहीं। बम्बलबी रोबोट देखो इसके ऊपर फायर कर रहा है अपने डिस्क से और इसके डिस्क कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं हीरो रोबो कॉप 2 को। अभी दोनों के बीच में शायद लड़ाई होने वाली है, दोनों ने एक दूसरे को पकड़ रखा है यहाँ पर, दोनों एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे गाइस। दोनों एक दूसरे को नीचे गिराने में यहाँ पर पूरी तरीके से लगे हुए। यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि बम्बलबी रोबोट हीरो रोबो कॉप को गिराएगा, पर यहाँ पर पूरी तरीके से सीन उल्टा हो चुका है। हीरो रोबो कॉप 2 ने धक्का मारकर बम्बलबी रोबोट को नीचे पटकनी दे दी है। क्लियरली यहाँ पर हीरो रोबो कॉप 2 जीत चुका है। अब इन दोनों के बीच में लाइट्स टेस्ट भी करके देख लेते हैं यार, बत्ती बुझा देते हैं, देखते हैं किसकी लाइटिंग एकदम चमकदार चटकदार दी गई है। हीरो रोबो कॉप 2 के अंदर देखो यार आइस के अंदर लाइट्स दी गई है और बीच में थोड़ी सी लाइट्स दी गई है। इसके अंदर देखो भाई साहब लाइट्स की इन लोगों ने भरमार कर रखी है, इसके आइस में भी लाइट्स है, इसके शोल्डर पे भी लाइट्स दी गई है, तो क्लियरली लाइट्स के मामले में बम्बलबी रोबोट जीत चुका है। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको इन दोनों रोबोट्स में से कौन सा रोबोट पसंद आया। चलो अभी मैं दे देता हूं शाउट आउट। पहला नाम आ जाता है यहां पर डायलन, अर्जुन, दाऊद, शिवेन, तेजस, राजदीप दास, दीपांशु, साहिल, तनय, आयान। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों ताकि मैं आपको ही शॉर्ट आउट दे सकूं। बाय दोस्तों।